सो रिसेंटली थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी स्टेटमेंट थाईलैंड और इंडिया में हो चुकी है काफी वायरल। इन्होंने ये कहा है कि पीस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन वर्ल्ड ओनली थ्रू हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ। अगर दुनिया में शांति स्थापित करनी है, क्योंकि अगेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे, आज के समय दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, चाहे इसराइल हमास का इशू हो, यूक्रेन रशिया का इशू हो, अजरबैजान अर्मेनिया का इशू हो, तो ऐसे टाइम में इन्होंने ये कहा है कि अगर पीस स्थापित करना है तो उसका रास्ता हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ से ही निकलेगा। नाउ अब यहाँ पे आप पूछेंगे अचानक से इन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दे दी। ये स्टेटमेंट थाईलैंड के पीएम ने दी है वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के दौरान। आपको बताना चाहिए कि आज के समय तीसरी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस होस्ट की जा रही है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, तो वहां पर थाईलैंड के पीएम को भी इनवाइट किया गया था और उस दौरान इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, पीस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन वर्ल्ड ओनली थ्रू हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ।